सैमसंग सैमसंग सैमसंग। फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी सैमसंग हैंडसेट है और वो सैमसंग हैंडसेट आपसे कुछ इस प्रकार लॉक हो चुका है तो उसको अनलॉक आप कैसे करोगे बिना सर्विस सेंटर गए हुए और बिना डाटा डिलीट किए हुए, आप कैसे अनलॉक करोगे? आपके पास कोई नॉलेज कोई आइडिया नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तो आप हमेशा के लिए सर्विस सेंटर जाना भूल जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बिना सर्विस सेंटर गए हुए अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है, वो भी विदाउट डाटा लॉस। आपका एक भी डाटा लॉस नहीं होगा फ्रेंड, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास या आपके साथ कभी भी भविष्य में ऐसा घटना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और आपका मैं पूरा हेल्प करूँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, सर्विस सेंटर वाले तो डाटा लॉस कर देते हैं, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखिएगा तो डाटा सेफ कैसे होता है वो आप सीख पाइएगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है, जब आप ऊपर की ओर स्वीप अप करोगे नीचे इमरजेंसी कॉल है, इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर देना, और जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू डायलेट खुला है। इस न्यू डायलेट में सबसे पहले आपको एक छोटा सा कोड का इस्तेमाल करना है, जिस कोड के माध्यम से आपका डाटा सेफ हो। सबसे पहले डाटा को सेफ रखना है, और ये कोड जो मैं आप लोग के सामने अप्लाई कर रहा हूँ, इस कोड का नाम है ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड, और ये कोड अगस्त मंथ का लेटेस्ट कोड है फ्रेंड। आप लोग को भी नेक्स्ट मंथ का कोड चाहिए या पिछले मंथ का कोड चाहिए तो आप हमसे कोड ले सकते हो, ये सिर्फ ओनली सैमसंग वालों के लिए, हमेशा याद रखना। तो उम्मीद है कि ये कोड आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे या कहीं लिख लिए होगे। इस कोड को 7 टाइम कॉल करना है ताकि आपका डाटा सेफ रहे, और ये कोड जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक आपका डाटा सेफ नहीं रहेगा। तो इसको 7 टाइम कॉल करना है ताकि ये कोड वर्क कर सके। 1 कॉल पे क्लिक कीजिएगा, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके कीजिएगा, 1 टाइम हो गया, ये मैं 2nd टाइम कर रहा हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, एक एक करके इस कोड को हटाना है। सब कोड का अलग अलग तरीका होता है, अगर इस कोड को डायरेक्ट हटा देगा दीजिएगा तो ये वर्क आपका सक्सेसफुल नहीं होगा फ्रेंड्स। सब कोड का अलग अलग तरीका होता है। इस कोड से मैंने आपका डाटा सेफ किया, अब नेक्स्ट कोड जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कोड आपका फ़ोन का लॉक तोड़ देगा, चाहे स्क्रीन लॉक हो या फिंगरप्रिंट लॉक हो या डाटा पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, कोई भी लॉक हो, इस कोड की मदद से आपका लॉक टूट जाएगा। तो आइए फ्रेंड, इस कोड को मैं अप्लाई करता हूँ, ध्यान दीजिए, दोनों कोड इम्पोर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड। 4, 5, 4 नहीं होगा, 4 के बाद 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा और हैज होगा। इस कोड को आपको 9 टाइम कॉल करना है, 9 टाइम, ताकि आपका ये कोड वर्क करे। अगर ये कोड वर्क करेगा तो ही आपका पासवर्ड टूटेगा। 1 टाइम हो चुका है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9, 9 टाइम हो गया। इस कोड को आपको डायरेक्ट हटाना है। डायरेक्ट कैसे हटाओगे? इस एरो वाले क्लिक करके सिर्फ हटा देना, एक बार ऐसे क्लिक करना और हटा देना, टोटल कोड हट जाएगा। अब होम बटन है, होम बटन पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि आपका सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हुआ है या नहीं, और अगर अनलॉक हुआ है तो विदाउट डाटा लॉस हुआ है या नहीं। फ्रेंड, आप देख सकते हो अपनी आँखों से कि इस फ़ोन का लॉक टूट चुका है और इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। जो डाटा पहले था वो डाटा अभी भी है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते, पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता, लेकिन आज आपको मैंने सैमसंग का लॉक तोड़ना ही नहीं सिखाया, आपको डाटा भी बचाना सिखाया है। तो आई होप फ्रेंड कि आपका मैंने प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।